नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है और इस बार टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है यहां पर ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए और अपनी विश्व कप की टीम को बेहतर तरीके से बिल्ड करने के लिए। 24 फरवरी को पहला T20 खेला जाएगा और पहले T20 में क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह से टीम को बिल्ड किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही टीम सिलेक्शन को लेकर जो लगातार सवाल उठते चले जा रहे हैं उस पर भी बात होगी और क्या भारत को उनकी विश्व कप की टीम मिल चुकी है ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो भारत का प्रदर्शन जो है वो ये तो हम बता सकते हैं कि भारत अच्छी फॉर्म में है, भारत ने विदेशी टीमों को हराया है, लेकिन कमजोरी कई दफ़ा आपको दिखती नहीं है जब आप जीतते रहते हो, लेकिन जब आपकी कमजोरी उजागर होती है तो बाकी टीमें उसको बड़ा जल्दी पकड़ती हैं और यही शायद वर्ल्ड कप का पहला नियम है। जब आप वर्ल्ड कप के बड़े टूर्नामेंट्स में आते हैं, जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ भिड़ते हैं और बड़े मैचेस में भिड़ते हैं तो फिर आपको उनकी कमजोरी सबसे पहले पकड़नी होती है। जो भारत की कमजोरी है वो है फिलहाल भारत का मिडिल ऑर्डर। जिस तरह से भारत को मिडिल ऑर्डर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भारतीय टीम कहीं ना कहीं अब इस मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझना अब भारत को बंद करना पड़ेगा। कप्तान कोहली के लिए या फिर टीम मैनेजमेंट के लिए या फिर चयनकर्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि भारत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। टीम की कमजोरी होती है और एक ताकत होती है। आपकी टीम की ताकत बहुत सारे लोग खिलाड़ी हैं, लेकिन आपकी टीम की कमजोरी 2-3 खिलाड़ी हैं जो शायद आपको वर्ल्ड कप में हो सकता है कि उतना बेहतर प्रदर्शन ना कर पाए। कई खिलाड़ियों को बाहर किया गया, खैर इस बारे में हम लगातार बात करते हैं, इस पर क्या बात करनी, लेकिन कुछ खिलाड़ी जिनको वाकई में ज़रूरत है काउंसलिंग की, जिनको वाकई में बताने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से खेलना है आपको, तो यहाँ पर कई खिलाड़ियों को बोलना भी पड़ेगा भारतीय टीम को। सिर्फ ये 30-40 बनाने वाले खिलाड़ियों से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। कई दफ़ा आपको ये ऐसी सिचुएशन से भी सामना करना पड़ेगा जब आपको 300-350 ना चाहते हुए भी बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बोर्ड पर नहीं लगाएंगे तो सामने वाली टीम चेस कर जाएगी। इंग्लैंड में अमूमन अगर देखें आप, क्योंकि समर्स में वर्ल्ड कप होगा तो जो मैदान है वो उतने ज़्यादा मतलब एक तो बड़े होते हैं, दूसरी बात क्या है वहाँ पे आसानी से 350-450 रन बोर्ड पर लग जाते हैं और वो चेज भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा बैटिंग लाइनअप हो, क्योंकि 100 ओवर के हिसाब से पिच बनाई जाती है और वो 100 ओवर में पिच पूरी टूटती नहीं है, पिच में कुछ भी नमी नहीं रहती है, कुछ खास हरकत नहीं होती है। ऐसे में भारत के पास भी एक मौका है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में बेहतर क्रिकेट खेलने का, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड में जब भी टूर्नामेंट हुआ है अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लें या फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, इंग्लैंड में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और इस बार वर्ल्ड कप में भी भारत से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रांग है, लेकिन अब भारत के पास क्या हथियार हो सकते हैं अगर प्लेइंग 11 की आप बात करें, क्योंकि जो तरकश में से तीर निकालने बड़े ज़रूरी है। आपके पास आपके टॉप ऑर्डर सेट है, यहाँ पर शिखर धवन और रोहित शर्मा, 3 नंबर पर विराट कोहली, अगर 4 नंबर पर खेलते भी हैं तो यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर का खिलाड़ी खेलेगा, 4 नंबर पर आपके अंबती रायडू। तो क्या अंबती रायडू आपके टीम के काबिल हैं, टीम के लायक हैं, ये भी सवाल उठता है। प्लस आप किस मानक के आधार पर नंबर 4 पर अंबती रायडू को सेट मानते हैं, क्या वो 50-60 बनाकर वो खुश रहेंगे, क्या विराट कोहली के साथ ही सिर्फ मैच जिताएंगे, जब भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो मैच जिता सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस को एनालाइज करना है, उस हिसाब से भारत को एक्सिक्यूट करना है, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय टीम की गेंदबाजी फिलहाल है ये दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को कहीं पर भी किसी भी मैदान पर रोक सकती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी टीम के खिलाफ भिड़ते हैं, एक बड़ी टीम के खिलाफ भिड़ते हैं, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ते हैं और न्यू इंग्लैंड के खिलाफ भिड़ते हैं, इट्स जस्ट ऑल अबाउट वन बैड डे, क्योंकि इनका एक्सक्यूज़ यही रहते हैं कि अगर हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ है तो हमारा ख़राब दिन था और अगर हमारी बल्लेबाजी चली तो हमारा अच्छा दिन था। अब अच्छे और बुरे दिन का फ़र्क अब ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट ही समझा सकते हैं, लेकिन अगर हर कोई अच्छा बुरा सोचता तो टीमें वर्ल्ड कप जीतने का कभी नहीं सोचती। आपको अच्छा क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा, अच्छा क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ज़्यादा रन्स बनाने आने चाहिए, तभी शायद आप वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं। यहाँ पर MSK प्रसाद ने 2-3 खिलाड़ियों को लेकर जो है बिल्कुल असमंजस की स्थिति बना दी है। KL राहुल कहाँ से आए हैं टीम में ये बात कोई नहीं जानता, बैन किया गया, बैन के बाद 2 पारियां खेली और उनको आप टीम में ले आए, कम से कम थोड़ा सा और मौका देते। शुभमन गिल को आप मौका दे सकते थे, पृथ्वी शॉ को आप मौका दे सकते थे, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम मैनेजमेंट की भी सोच यही कि नहीं हमारे पास अब राहुल है तो हम राहुल से ही काम चलाएंगे, हम किसी और खिलाड़ी से काम नहीं चलाएंगे।
तो ये जो सोच है ये शायद भारतीय क्रिकेट को थोड़ा सा अंधकार की ओर लेती जा रही है, क्योंकि आप अगर अभी वर्ल्ड कप में देखें तो अब सभी खिलाड़ी अब 30+ 30+ 30+ लेके गए। कितनी अच्छी फील्डिंग है अंबती रायडू की हम सब जानते हैं, कितनी अच्छी फील्डिंग है जाधव की हम भी जानते हैं, तो क्यों आखिर इस तरह से लगातार ऐसे खिलाड़ियों को मौके दिए जा रहे हैं? आपके बाकी खिलाड़ी भी आपको वर्ल्ड कप जिताना डिजर्व करते हैं, वो खिलाड़ी आपको शायद बेहतर परफॉर्म करके भी दे सकते हैं। केदार जाधव एक हैंडी प्लेयर हैं, लेकिन अंबती रायडू के बारे में अभी भी भारतीय टीम को सोचना पड़ेगा। कैसे वो ये कह सकते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे और वनडे फॉर्मेट में ही रन बनाएंगे? क्यों आखिर इतना बड़ा दर्जा दे दिया जा रहा है अंबती रायडू को? ये बात सोच से सब पार चली जा रही है। कई लोगों का ये कहना है कि भाई MSK प्रसाद के खास हैं, इस वजह से यहाँ पर अंबती रायडू को मौका दिया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ खास होना वर्ल्ड कप के मानक तय कर देगा? 4 साल में एक बार टीम डिसाइड होती है, और आपने पिछले 6 महीने के खिलाड़ियों को टीम में ले दिया, जो खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, जिन खिलाड़ियों की आपको जरूरत थी उन खिलाड़ियों को आपने बाहर कर दिया। मनीष पांडे ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है विदेशों में, मनीष पांडे क्यों नहीं है इस स्क्वाड में, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है? इन सब खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रूव किया है, अपनी परफॉर्मेंस दी है, और यही परफॉर्मेंस शायद इन सभी चीज़ों को डिसाइड करती है। भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय टीम किस तरह से बिल्ट होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले फिर IPL है, IPL से पहले आखिरी सीरीज बची है। इन आखिरी सीरीज में आप किन खिलाड़ियों को परखना चाहेंगे? ऐसा लगा कि भाई शायद भारत के सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फुल फ्लैश्ड पूरी टीम लेकर उतरेंगे विराट कोहली, क्योंकि अब वापसी भी हो गई है, रोहित शर्मा भी कितना क्रिकेट खेलेंगे। तो अब इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्ड्स कि आप किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये मैटर करता है। और अगर आपके मानक सेट नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत की टीम उस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह से हम मान सकते हैं, क्योंकि भारत का अभी भी नंबर 4 नंबर 6 फिक्स नहीं है। आप ऋषभ पंत को जरूर लेके गए, ऋषभ पंत को भी आपको ग्रूम करने की जरूरत है, ऋषभ पंत को 5 मैचेस देने पड़ेंगे भारतीय टीम को अगर आपको उनको वर्ल्ड कप में लेके जाना है। दिनेश कार्तिक आपके 6 नंबर का रोल अच्छा निभा सकते थे, दिनेश कार्तिक को आपने बाहर कर दिया। केदार जाधव शायद 6 खेलेंगे तो केदार जाधव को आपने रख लिया, तो आपके पास सिर्फ केदार जाधव ही तो ऑप्शन है जो बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ऋषभ पंत को खिलाने की जरूरत पड़ जाएगी आपको, तो फिर आप किस खिलाड़ी से गेंद कराएंगे? तो फिर क्या अंबती रायडू आपके नंबर 4 लायक रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ये भारत को अब सोचना है, एनालाइज करना है, उस हिसाब से एंटिसिपेट करना है। क्योंकि अगर आप केदार जाधव और इनके, तो फिर आप ऋषभ पंत को एक एक्स्ट्रा के तौर पर लेके जा रहे हो, फिर ऋषभ पंत में आप वो एक्स फैक्टर मत देखिए। अगर ऋषभ पंत में टैलेंट है, वो रन बना सकते हैं, तो ऋषभ पंत को आपको मौके देने पड़ेंगे, तभी शायद आपकी टीम जो है वो बेहतर खेल पाएगी, बेहतर विकल्प तलाश पाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ऋषभ पंत मैचेस खेलेंगे वैसे वैसे वो रन बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह बनते जाएंगे, क्योंकि हम उनको उनके उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम इस बिना पर वर्ल्ड कप जीतेगी? क्योंकि आपको बड़ी बड़ी टीमों से भिड़ना है, इस बार राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, तो आपकी आपको पाकिस्तान से भिड़ना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, साउथ अफ्रीका से भी भिड़ना है, बाकी टीमों से भी भिड़ना है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये बात दुनिया की हर टीम जानती है कि भारत का अपने टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स कर दिया एक बार, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता भारत के खिलाफ मैच जीतने से। तो ये भारत को अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो क्या मिडिल ऑर्डर में ये खिलाड़ी उतने तैयार हैं? क्या अंबती रायडू 100-150 मार सकते हैं? एज ऑफ नाउ आप देखें तो 80-90 या 50-60 बनाने के लिए तो ये खिलाड़ी हैं, लेकिन ये खिलाड़ी शतक के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ये खिलाड़ी चाहते हैं कि हम विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी रन बनाते जाएं और हम उनके साथ मैच निकालते जाएं। तो बड़े खिलाड़ियों के साथ तो आप मैच निकाल लोगे, लेकिन कई दफ़ा आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या होगी इसके लिए आप कभी नहीं जाने जाओगे। आज महेंद्र सिंह धोनी, अगर महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं तो वो उन्होंने वो किया है, उन्होंने भारत को ऐसे ऐसे मैचेस जिताए, ऐसी ऐसी सिचुएशन से जहां से शायद भारतीय टीम जीत की सोच नहीं सकती थी। विराट कोहली जाते हैं वो मैच खत्म करके आते हैं, रोहित शर्मा अगर बड़ी पारी खेलते हैं तो मैच खत्म करके आते हैं। ये क्वालिटी है इन खिलाड़ियों में, इसी वजह से शायद भारतीय टीम यहाँ पर ऐसे बेहतर खिलाड़ी प्रोड्यूस कर पाई है। लेकिन अब तक रायडू ने ऐसी नॉक नहीं खेली है। वेलिंगटन वाली बब लोग बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पर भी आउट होकर चल दिए थे। जब आप 80-90 बना चुके हैं तो फिर आपको शतक में उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, तब शायद हम आपको तब जाकर बड़ा प्लेयर मानेंगे। और अगर छोटे प्लेयर्स की बात है तो फिर अगर आपको चुटपुटी खिलाड़ियों को ले जाना है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को ले जाना है, तो फिर आप देख लीजिए, फिर यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आप किन खिलाड़ियों पर दाव लगाना चाहते हैं, किन खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बिना खिलाड़ियों के भारतीय टीम फिर मुश्किल में पड़ जाएगी। फिलहाल मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की भारत को ज़रूरत है। अगर भारत का मिडिल ऑर्डर सही नहीं हुआ तो फिर भारत को विश्व कप में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि IPL में भी आप देखेंगे कुछ खिलाड़ी जो है वो परफॉर्मेंस देंगे तो क्या उनकी जगह बनेगी, ये भी चयनकर्ताओं से पूछा जाना ज़रूरी है। क्योंकि चयनकर्ता क्या है, अब टीम मैनेजमेंट की मनमर्जी के मुताबिक टीम दे रहे हैं,
जब मन कर रहा है किसी को लेके आ जा रहे हैं, जब मन कर रहा है किसी को बाहर कर दे रहे हैं। विजय शंकर भी एक एक्स फैक्टर है कि अगर विजय शंकर को आप यहाँ पर एज ए बैट्समैन खिलाते हैं तो क्या विजय शंकर में उतनी कैपेबिलिटी है कि भारत को मैच जिता दें। हालांकि जिस हिसाब से हमने उनका परफॉर्मेंस देखा उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो एक अच्छे बल्लेबाज भी बन सकते हैं भारत के लिए और थोड़ी बहुत सीम भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत को एनालाइज करनी पड़ेंगी, किन खिलाड़ियों को आपको लेकर जाना है, किनको मौका देना है, ये अब भारत को सोचना पड़ेगा। तभी शायद भारतीय टीम एक बेहतर विकल्प को तलाश पाएगी, एक बेहतर टीम बन पाएगी, तभी आप वर्ल्ड कप में सामने वाली टीम को मार पाएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।